छत्तीसगढ़ के कोरबा में पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। पंचायत सचिवों ने नियमित करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि पंचायत सचिवों ने अपने अनदेखी का आरोप लगाते हुए रोष जाहिर किया है। पंचायत सचिवों का कहना है कि सरकार को उन्हें तुरंत प्रभाव से नियमित करना चाहिए, उनकी यह मांग जायज है। वह पहले भी कई बार अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। पंचायत सचिवों के द्वारा एक दिवसीय विशाल रैली भी निकाली गई। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की, साथ ही अपनी मांगों का ज्ञापन ब्लॉक सीईओ और एसडीएम को सौंपा गया। पंचायत सचिवों ने अपनी मांगें पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। अब देखना होगा कि सरकार व जिला प्रशासन पंचायत सचिवों की मांगों को मानता है या फिर इसी तरह से पंचायत सचिव संघर्ष करते रहेंगे। कोरबा से संवाददाता राम गोपाल कश्यप की रिपोर्ट। हम अनियमित कर्मचारियों का जो है कि शासकीकरण और नियमित कर देंगे, लेकिन अभी तक जब भी उनके पास डेलीगेशन में जाया जाता है, आर्थिक स्थिति का हवाला देकर जो है कि मांगों को कि हमारी मांगों को कोई ज़्यादा लागत नहीं है, मात्र 51 करोड़ वार्षिक बजट पर पंचायत सचिवों का नियमितीकरण हो जाएगा, शासकीकरण हो जाएगा, उनको नियमित वेतनमान और समस्त शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकता है, कोई ज़्यादा वित्तीय भार सरकार को नहीं पड़ेगा। ये बात हम जो है कि कल पंचायत मंत्री के डेलीगेशन में भी बोल चुके हैं, किंतु ये विडम्बना है कि हमको बार बार उनके पास अनुनय विनय करने के बाद भी हमारी मांग जो है कि सिर्फ आश्वासन देकर उठाने के चक्कर में रहते हैं। हमारा पिछला जो है 21 दिसंबर को जिला मुख्यालय कोरबा में धरना प्रदर्शन में रैली था, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन एवं मुख्य सचिव के नाम से ज्ञापन कलेक्टर महोदया एवं जिला पंचायत सीईओ को दिया गया। उसी का ब्लॉक मुख्यालय में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से माननीय एसडीएम साहब और माननीय मुख्य कार्यपालनाधिकारी जनपद को दिया गया है। हमारी मांगों को हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द पूरा करें। अगर आज के बाद भी हमारा मांग को पूरा नहीं किया जाता या हमको कोई मतलब पुख्ता कोई हमको मतलब आश्वासन या हमको कोई लिखित में कुछ नहीं दिया जाता है, तो 26 दिसंबर से हमारा जो है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है कि चालू हो जाएगा, क्रमिक भूख हड़ताल और क्रमबद्ध आंदोलन जो है कि चालू रहेगा। कार सचिव संघ प्रदेश पंचायत सचिव कुमार टंडन, तो ब्लॉक सचिव संघ पूरीपुरा अध्यक्ष सर बताएंगे आप। हमारी प्रमुख मांग है कि 2 वर्ष परीक्षा समाप्ति पश्चात नियमितीकरण किया जाए, शासकीकरण किया जाए। और जैसे कि हमारे बीच जिला सलाहकार जी बताए हैं, उसमें सरकार के द्वारा हमको छला जा रहा है, और हमारी प्रमुख मांग है कि सरकार हमारी जल्द से जल्द 2 वर्ष परीक्षा समाप्ति पश्चात शासकीकरण की मांग को पूरा करें, और अगर सरकार मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग 26 तारीख से क्रमिक भूख हड़ताल में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.